नतीजा फरमाया कुल्लू मन अलैहा फानी व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। परवरदिगार ने फरमा दुनिया के अंदर एक दिन ऐसा भी आने वाला है, अल्लाह ने फरमा हर चीज फना हो जाएगी, अर्द की दिया लपा की रवेगा। अल्लाह ने रिजा फरमाया ना कोई बुलंदी रवेगी, ना कोई पस्ती रवेगी, ना कोई शहर रवेगा, ना कोई पस्ती रवेगी, ना कोई खम रवेगा, ना कोई मस्ती रवेगी, ना चिड़िया का जा जहाना रवेगा, ना फुला का लहाना रवेगा। फरमाया ना कोई ताज रवेगा, ना कोई तख्त रवेगा, ना कोई बादशाही रवेगी, अर्ज की दिया ना बाकी की रह जाएगा। फरमाया भाई अब वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। परवरदिगार ने फरमाया बंदिया कुछ भी बाकी नहीं रवेगा, रवेगी तेरी मालिक दी बादशाही रह जाएगी। अर्ज की दिया ना तू बाकी रवे मैं मर जावा, अर्ज की दिया ना जे मैं फना हो जावा, कदे मेरा भी जी करे मैं भी बाकी रह जावा। अल्लाह ने फरमाया बंदिया सारी कायनात ने फना हो जाना है, बाकी मेरी जात ने रहना है। अल्लाह फरमाता बंदिया जे बाकी रहना जाना है यारी मेरे नल लाल मरन तेनू भी नहीं देवा। बचना चाहना है ते कुलिया इको ही यारी मेरे नाल लाल है। मन अमिल صالحا मिल ذكرن او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياتا طيبه। ते फिर मेरे बाहू दी कब्र बोल के आखे की नाम फकीर तिना दा बाहू कब्र जिना दी जीवे हो। मैनु पता है इन गल्ला ते सुभान अल्लाह जरा मुश्किल निकल दी है। मैनु पता है बुजुर्ग को माई चरखा कतदी सी ना पिंड दी, ते चरखा हो जाना ना खराब, ते गवांडन माई नू कहना कि जरा दो चार दिन अपना चरखा उधार देवी मैं पूनिया कतनिया ने, ते चरखा उधार लेना गवांडन दे कोलू ते ओदे चरखे दे नाल पूनिया कत लेनिया ते पूनिया अपनिया ते चरखा मालका दा उधार चरखा फिर वापस दे देना। आ जेड़ा तेनू अल्लाह ने जिस्म दा चरखा दिता है ना इस वास्ते नहीं दिता कि इन सारा दिन संवार के रखे ते इहदे चेहरे ते करीमा लगावे, सारा दिन अच्छी रिजा खावे कि मेरा ये चरखा ठीक रवे। ये चरखा दिता है मालक तेनों उधारा पूनिया कतन वास्ते अमलां दियां। चरखा मालक वापस लेना, अपना चरखा मालक एदी वापस लेना है। पर इस उधार चरखे दे नाल जिहड़ियां नमाज़ां ते रोज़े ते हज ते ज़कातां दी पूनियां कतनियां ना जिहड़ी कमाई करनी है वो तेरी होवेगी, पर चरखा मालक दा हैरत ही जाए कि अज मेरी मिल्लत दा नौजवान हर वेले जिस्म नूं संवार च लगे है, मेरा जिस्म खूबसूरत हो जाए। वो जिहड़ी असल चीज तेरी रूह है जिन्हें बाकी रहना उहनूं संवारन दा कदे ख्याल ही नहीं आया। तेरा जिस्म मोटा होता जा रहा, तेरी रूह कमजोर होती जा रही, तेरा नफ्स मजबूत होता जा रहा, वो जरा तेन गुनावा मल माइल प्या कर दे। गिनामी कदर हजरात फिक्र आखिरत की है। अम्मा आशा सिद्दीका ने एक दिन अर्ज की कमली वाले को इंसान ऐसा भी है जेड़ा शहीद ते ना होवे मगर कयामत नु शहीदा च शुमार होवे। नबी करीम ने फरमाया हाँ आशा जेड़ा हर रोज 20 वाली अपनी मौत नु याद करे वो कयामत नु शहीदा च खड़ा होवे। अज साडे कोल वेला नहीं असि अपनी मौत ते आखिरत नु याद करिए। एक दिन हजरत उमर फारूक बाजार गए थे गुलाम खरीद के ले आए। गुलाम नो बिठा के फरमावन लगे मैं तेनों इस बात से खरीद के लेके आया कि मैं उमर फारूक जब सुबह उठा ते मैं मौत याद कराया कर। पढ़े लिखे नौजवान के बुजुर्ग बैठे मैं सच्ची दसो कदे सानू इन्ना वक्त मिलिया सी मौत याद कर गया। असी ए सोचने कि मैं मर गया ते अजे ते बच्चे छोटे ने अजे ते नहीं ना मैं मरना। मैं मर गया ते मेरा कारोबार कौन संभालेगा, मेरे घर दा मेरी जमीन दा मेरे डेरे दा की बनेगा, अजे ते नहीं ना मैं मरना अजे ते बड़े काम करने वाले ने। पर
एक चक्कर कदे कब्रस्तान लगा के आ, तेरे वर्गा लखां लेटे ने जिन्हां नूं यकीन ही नहीं सी कि मैं भी मर जाणा। वो जिहड़े कपड़े नूं वट नहीं सन पहन दिंदे तेरे वर्गे लखां लेटे ने, उहनां नूं भी यकीन नहीं सी कि मैं मर जाणा। उन्होंने कह दिया सना मौली साहब के पुत्र नमाज पढ़िया कर, तो कहते मौली जी कल तू पढ़िया कर, कल कल पढ़ांगा नमाज। जाओ जाके कब्रिस्तान के चक्कर लगा के आओ, उठे लखां लेटे ने जिन्हों ने आखी दसी नमाज पढ़िया करो, वह भी सोचते सर मैं कल नमाज पढ़ांगा, कल रोजा रखांगा, कल मैं जकात देनी शुरू करांगा, कल मैं गुनाह छड़ देवांगा, कल तू मैं शराब नहीं पीनी, कल तू बाद मैं झूठ नहीं बोलना, उन्हें भी सोचा जी कल करांगा, कल छड़ांगा, पर रब्बे काबा की कसम है जा जाके कब्रिस्तान पुछ लैदी कल आई नहीं, उन्हों की कल आई नहीं, मियां परमा दे लोए लोए पर कुड़िए आए के तू पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते कर जा दीन डरना। जिंदाबाद मियां साहब फरमाते ने लोए लोए भर ला कुड़िए, तेरे अज दिन की लोई अज सवेरा ही, जब दिन टुर गया ना डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़त नूं डुब जाना। जे तेरी दाढ़ी दे बाल चिट्टे होने शुरू हो गए तो फिर समझ डीगर का वेला हो गया, तो शाम पैन वाली है, शाम पैन वाली है, डीगर का वेला हो गया। जे अज तेरी जिंदगी का सवेरा ही है ना, तो फरमा देने लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तुद भांडा भरना अमलों का भांडा भरना ही, तो लोए लोए भर लै जवानी ची भर लै। फिर डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नूं डुब जाना। हजरत उमरे फारूक गुलाम नूं बुला के फरमाया तेनूं मैं इस वास्ते खरीद के लैके आया, मैनूं मौत याद कराया कर। जे नहीं यकीन आता ना तो सवेरे उठ के किसी नहर के पुल से बैठ जाया जे, तो वो जो पुल के नीचे तो पानी गुजरता ना उन्हों अपनी जिंदगी तसव्वुर करे आ जाए, तो गौर करे आ जाए, जो पानी एक बार पुल के नीचे तो गुजर जाए कदे मुड़ वापस आया, बस तेरी जिंदगी के सांस से तेरे लम्हे गुजरते जा रहे, जो गुजर जाना मुड़ वापस तो नहीं आना। अगर सिकंदर ने फारूक ने गुलाम ने रोज उठ के सुबह कहना हजूर मौत याद है, फरमाना याद है, अच्छा गुजर गया, गुलाम ने रोज मौत याद करानी। एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम ने मौत याद कराई, ते आपने फरमाया बेलिया मौत ते याद है, पर हुण मैनूं तेरी लोड़ नहीं, तू आजाद है, तू जा सकना है। उन्हें अर्ज की कोई गुनाह को खुता ही को गलती, फरमाया कोई अर्ज की सोनिया फिर मैनूं आजाद क्यों कर दे, मैनूं सारे जग दियां आजादियां नालों तेरे बूढ़े की गुलामी चंगी। आपने फरमाया कि हुण तेरी लोड़ नहीं ना। गुलाम ने अर्ज की लजपाल जे मैं टुर गया तो मौत कौन याद करावेगा। कमालपुर बाजवा वाले मेरे वाल वेख्या जी, हजरत उमर फारूक ने अपनी दाढ़ी मुबारक चो एक चिट्टा वाल पकड़िया, पकड़ के फरमान लगे अज सुबह आईना वेख्या सी ते दाढ़ी च एक चिट्टा वाल नजरी आया, हुण तेरी जरूरत नहीं, जदों चिट्टा वाल वेख्या करांगा आपे मौत याद आ जाया करेगी। एक चिट्टा वाल दाढ़ी च आया ते मौत नजदीक नजर आवन लग पई, सारी दाढ़ी चिट्टी हो गई, कदे मौत का ख्याल ही नहीं आया, याद भी नहीं आया कि मैं भी मर जाना, सानू यकीन ही नहीं आता। वो कोई नौजवान गया सी ना किसी अल्लाह वाले को, अर्ज की हुजूर नसीहत करो, फरमा कदे जनाजा पड़े जी बड़े पड़े ने, फरमाया जनाजे नालों बड़ी नसीहत ही कोई नहीं।
जनाजा पढ़ के जिद आए हो ना, वो कल तुहानू पैगाम दे रहा है कि तैयारी करके रखा जे मैं चलिया हूं तुहाड़े चो किसी की वारी दे। अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने रिजा फरमाया मौत जिंदगी सवा से पैदा फरमाई, असी आजमा सकिए कौन जड़ा नेक अमल करके आउंदा है। अल्लाह ने रिजा फरमाया ऐ बतकुरून बिललाह वकुलतुम अमवातल फअहियाकुम थुम्मा युमीतुकुम माई आ गई। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहि सलाम दी बारगाह विच भाई तवज्जो है, एक बार बोलिया जे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन सर्दी है मगर इतनी भी सर्दी नहीं। बस बोलो बैठो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा। मौजू संजीदा है, मैं संजीदगी चाहिए महफल च, मेहरबानी फरमाओ भाई सारे दो। माई वडेरी आ गई अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहि सलाम की बारगाह से अर्ज करती है नबी अल्लाह अल्लाह ने मेनु बच्चे दे दिते ने पर छोटी छोटी उम्र दे फौत हो जाते ने, दुआ करो रब मेनु कोई लंबी जिंदगी वाला पुत्र अता करे। आपने फरमाया अम्मा जी तुहाडे बच्चे किन्नी किन्नी उम्र दे फौत होंदे ने। माई कहन लगी हजूर कोई 100 साल का मर जाता है, कोई 200 साल का मर जाता है, कोई 300 साल का मर जाता है, ते छोटी छोटी उम्र फौत हो जाते हैं, ते दुआ करो अल्लाह मेनु लंबी जिंदगी वाला पुत्र देवे। क्योंकि उस दौर के अंदर उम्र बड़िया लंबी होंगे सन। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहि सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी कौम तबलीग फरमाई। जब 950 साल तबलीग फरमाई तो सोचो उम्र कितनी लंबी होगी। आदम अलैहि सलाम की तकरीबन 1000 साल उम्र। माई ने अर्ज की हुजूर मेरे बच्चे छोटी उम्र दे फौत हो जाते ने, दुआ करो लंबी उम्र वाला रब पुत्र देवे। हजरत नूह अलैहि सलाम ने फरमाया अम्मा तेरे बच्चे ते 100 200 300 साल दे होके मरदे ने ना, मगर कयामत के करीब एक उम्मत आनी है उन्हां दी उम्र ते 60 65 साल होगी। 70 तक ते कोई पहुंचेगा। माई बड़ी हैरत नाल अल्लाह दे नबी वल वेख के कहन लगी नबी अल्लाह इन्नी छोटी उम्र ते उन्हां घर ते नहीं ना बनाने। अल्लाह के नबी नूह अलैहि सलाम ने फरमाया अम्मा जिवें दियां कोठियां उन्होंने बनानियां ना, तुसा हजारा साल दियां उम्र वाले भी उत कोठियां कदे सोचियां भी नहीं। ते माई ने दुआ भी ना कराई ते टुर पई ते जाके मुड़ के कहन लगी नबी अल्लाह जे मैनू पता चल जाए ना मेरी इन्नी थोड़ी जी उम्र है, मैं उस सारी उम्र इको सजदे च गुजार के टुर जाऊंगा। उम्र तो छोटी जी है, सफर बड़ी दूर तरी। कदर हजरात रात अंधेरी राह ना जाना ते दूर सजन दा डेरा। सानू कदे फिक्र आखिरत नहीं आई, सानू कदे ख्याल नहीं आया कि मैं किधरे दूर जाना सफर ते, मेरा सफर बड़ा दुराडा है। ग्रामी कदर रात जड़े बेले आखरी बेला आउंदा है, ओ नौजवान जिन्हें कदे मौत दा सोचिया ही नहीं, ओ बुजुर्ग जिन्हें कदे मौत दा सोचिया ही नहीं, जदों आखरी बेला आउंदा हकीम नबजा फड़िया रह जांदे, डॉक्टर नबजा फड़िया रह जांदे, उस वेले कदे मां वल वेखदे कदे बाप वल वेखदे, उस वेले कदे औलाद ते कदे यारां वल वेखदे, कोई मैनू बचा ले। नबी करीम ने फरमाया मरन वाला ही जीओ दे जिमें डुबन वाला आए, डुबन वाला जिमें हाथ मार दे कोई चीज हाथ च आ जाए, अज मैं बच जावा मरन वाला भी वेख दे कोई बचा ले, कोई बचा ले, अज कोई बचा ले। पर मियां सा परमा दे तू बेली ते सब जग बेली, तू बेली ते सब जग बेली, ते अनबेली भी बेली, उस बेले दा कोई नहीं बेली, जदू जासी जान अच
के ली जदरू बर्बाद कर जाती है। थोड़ी देर घर वाले रो लेंदे ने, रिश्तेदार कहंदे ने जल्दी करो एदा जनाजा पढ़ो असा दूर जाना है। जदू तेनू फटे ते लटाया जांदा है, ओ घड़ियां जड़ियां बड़ी कीमती खरीददार आओ, ओ घड़ी उतार के भी लै जांदे, अंगूठी उतार के लै जांदे, तेरा कीमती बोस्की दा सूट कट के उतारिया जांदा है, तेनू गुसल भी बेगाने लोग देंदे ने, कंधियां ते चुके कब्रस्तान लै जांदे ने। जरा अपनी मौत दा तसव्वुर ते कर, तू जवानो जनाजा पढ़ के दफन दा वेला आउंदा है, जिन्नू कोका प्यार होवे ओ मिट्टी भी बोटी पा के जांदे है, जिदा रिश्ता जितना करीब होवे ओनी जल्दी ते पहले मिट्टी डालदा है। ते जदों कब्र बनाओ लैंदे ने, अज तक कोई किसे दे नाल कब्र च नहीं लेटिया, ते कब्र बना के कहंदे ने लै दे लिया, हुण असीं चले आ अगे तू जाने तेरे अमाल जान, असी चले आ तू जाने तेरा रब जाने। मियां साहब फरमांदे ने लप्पी पुकी मिट्टी पाके ते कर दे ढेर उचेरा, पढ़ दुरूद घरां नू आंदे ते मुड़ नहीं पाउंदे फेरा। इतने पढ़े लिखे इतमा चो कितने लोग ने जिन्होंने अपने दादे की कब्र का पता है, पर दादे की कब्र का किसे नु पता होगा? असी मरन वाले नु भूल जाने। सूफिया फरमाते ने जदों कदे कदे कल्या बैठा दिल घबरा जावे ना, उस वेले समझ कर मैनू इजराइल ने वेख्या। जदों अचानक कदे जिस्म च जुरजुरी आ जाए, जिस्म कंब जावे, उदों समझ करो इजराइल ने वेख्या। इजराइल हर रोज हर घर विच झाती मारदा, हर घर विच। इजराइल अलैहि सलाम दे सामने सारी कायनात इंज जिवें इक प्लेट विच खाना होवे ते खाने दे इर्द गिर्द चंद अफराद बैठे होवन, ते जदों इक प्लेट होवे ते खान वाले ज्यादा होवन, ते जिदा दिल करे जित्थों दिल करे चुन लवे। इजराइल दे सामने पूरी कायनात इक प्लेट दी तरह जित्थों दिल करदा चुन लैंदे। जद रूह निकलती है ना, घर वाले रोंदे ने। उस वेले इजराइल चौखट पकड़ के कहंदा, क्यों पे रोंदे हो, मैं कोई आखिरी बारी आया, मैं ते आउंदिया जांदिया रहना, अज किसे दी ते कल किसे दी वारी है। नबी करीम ने फरमाया, उस वेले इजराइल दी अगर कोई आवाज सुन लवे ते मुर्दे नु भूल जावे, सारे नु अपनी अपनी पै जावे। एक दिन मौला अली गए कब्रिस्तान दे अंदर, ते आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहले अल कुबूर, कब्रां चो आवाज आई मौला अली, वालेकुम सलाम। मौला अली फरमान लगे, कब्रां वाले तुसा अपना हाल मैनू सुनाना है कि तुहाडे पिछले दा हाल मैं तुहानू सुनावां। कब्रां चो आवाज आई, अली जिस दिन दे कब्रां च आया किसे हाल पुछे ही नहीं, ते लजपाला तू पुछ लिया, ते दिल करना पहले असी अपना सुना लेंगे। फरमाया सुनाओ, तवज्जो ना मेरी बात सुनिया जी। कब्र चो आवाज आई, मौला अली जदों घर वाले छड़ के गए सन, ते कल्या अंधेरे छोटे जे कमरे च रहना पै गया, ते दो डरावनियां शक्लां वाले फरिश्ते आ गए। बड़ा डर हिसाब होया, वो हराम कमाइयां औलाद ली कमा के जिहड़ियां कोठियां बना के आए सा, उन्हां दे हिसाब देने पै गए। अली जिहड़ियां अखियां नूं संवार के रखदे सन, जदों तीन चार दिन कब्र च आए ना, ते गर्मी की वजह तो अखियां बह के रुखसारा ते आ गईआं। जिहड़े बालां नूं हर वेले शंगार के रखदे सन ना, दस दिन गुजरे ते वह बाल झड़ना शुरू हो गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि गोश्त मांस नालों जुदा हो गया, ते गोश्त हड्डियां नालों जुदा हो गया। एक जोड़ उखड़दा सी ते रात नींद नहीं सी आंदी, सारे जोड़ ही उखड़ गए। हाल पुछण वाला भी कोई हिसाब बड़ा डाढ़ा पिया होंदा। मौला अली फरमान लगे, आओ हुण मैं तुहाडे पिछलियां दी खबर तुहानू देवां। मौला अली फरमाते ने, जदों तुहानू छड़ के घर गए ना, ते जांदे तुहाडी औलाद ने तुहाडी जायदाद नूं तकसीम कर लिया, इद्दत गुजार के तुहाडियां बीवियां ने दूसरियां शादियां कर लईयां। वो
कोठियां जिन्हां विच रिश्तेदारां दा आउणा बर्दाश्त नहीं सी ना, उन्हां रिश्तेदारां ने तुहाडी औलाद नाल रिश्तेदारियां कर लईआं ते उन्हां कोठियां दे उही रिश्तेदार मालिक बन गए ने। मौला अली ने फरमाया सुनो, जिहड़ी गली च आप वसदे सो ना, उस गली च किसे नूं तुहाडा नां भी याद नहीं, किसे नूं याद ही नहीं कि कदे तुसीं भी दुनिया ते आए सो, खबर ही नहीं कि तुम कद दुनिया से भी आए हो, 50 साल के बाद तो लोग भूल जाएंगे, किसी को याद भी नहीं होना कि तुम दुनिया से आए हो। पर नाम किन्हां दे जिंदे ने, जाओ दाता अली हजवेरी दी बारगाह च, 1000 साल तो ज्यादा गुजर गया, दाता पिया ने दुनिया तो परदा कीता, पर रात 2:30 बजे भी जाओ ना तो कुरान पढ़ते होंगे ने लोग, पता चलता है जेडे कुरान पढ़ के वली बने ने ना उन्हां दीआं कमरां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है, जेडे आखिरत संवार के गए जिन्हां मालिक नाल यारी लगा रहे।